गैस, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में बताया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की, यार पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है उसको किस तरह से किया जाता है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का सबसे पहले मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट राइट और उसके बाद जो रूट नोड है वो। तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट और उसके बाद जो रूट नोड है उसको विजिट करूं, तो उसे कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट लिख दें और राइट साइड में राइट लिख दें, ठीक है। और अब अगर आप लोगों को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है तो आप यहाँ पर प्री यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर रूट लिख दें, ठीक है। अगर आप लोगों को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है तो भी आप यही काम करें, लेफ़्ट यहाँ लिखें, राइट यहाँ लिखें और जो रूट है वो पोस्ट में लिख दें। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। लेफ़्ट यहाँ लिखें, राइट यहाँ लिखें और उसके बाद रूट को बीच में लिख दें, वो इन ऑर्डर। इनका मतलब अंदर और लेफ़्ट और राइट के अंदर, यानी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो यार ये ऑर्डर जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहले रूट को फिर लेफ़्ट को फिर राइट को, प्री ऑर्डर लेफ़्ट राइट रूट पोस्ट ऑर्डर लेफ़्ट और उसके बाद मैंने इन लिख दिया यहाँ पर, रूट यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये है, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। वैसे कन्फ्यूज़ आप लोग होते नहीं हो, इतना भी ईजी नहीं है आप लोगों को कन्फ्यूज़ करना, बट मेरा यहाँ पर रूट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रूट लिख दिया। अब मैं अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैं लेफ़्ट सबट्री को विज़िट करूँगा, फिर राइट सबट्री को विज़िट करूँगा, फिर रूट को विज़िट करूँगा, ठीक है। तो लेफ़्ट सबट्री को विज़िट मैं कैसे करूँगा, मैं लेफ़्ट सबट्री को सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे ये वाला पार्ट विज़िट करना है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मुझे ये वाला पार्ट विज़िट करना है। इस वाले पार्ट का एक नाम रख देते हैं, इस वाले पार्ट का नाम वन रख देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा छोटा वाला ब्रैकेट है ये इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी वन लिख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट और रूट। तो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट लिख दिया और लेफ़्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि राइट लिखेंगे, राइट वाला सबट्री। राइट वाले सबट्री में सिर्फ सिक्स है, जब एक ही नोड होता है तो यार उसका कुछ किसी भी तरह से ट्रैवर्स करो उसको वही आएगा, ठीक है। तो सिक्स यहाँ पर मैं लिख दूंगा राइट की जगह सिक्स, और रूट नोड फोर है, ठीक है। अब मेरा काम है कि मैं इस वाले ब्रैकेट को खोलूं, यानी कि ये जो मेरा ट्री है, मैं बाकी पूरी ट्री को भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर फोर था यहाँ पर सिक्स था, मैं सिर्फ इस सब ट्री को देखूंगा, इसको एक ट्री के तौर पे देखूंगा, इसको मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करूंगा। इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब लेफ़्ट राइट और फिर उसके बाद रूट। लेफ़्ट में क्या है पाँच, राइट में क्या है सिर्फ दो, रूट में वन, ठीक है, और सिक्स फोर। तो ये है इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप कि यार आप लोग समझ गए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किस तरह से इसका होगा। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट सबट्री, फिर राइट सबट्री, फिर रूट, ठीक है। रूट लेफ्ट और राइट क्या था, रूट लेफ्ट और राइट था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये प्री था, प्री आर को ढंग से बना देता हूँ, ये हमारा पोस्ट था और ये हमारा इन ऑर्डर है, ठीक है। तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बहुत ढंग से आपको यार अब आ गया होगा, लेकिन यार इसको कोड कैसे करें, कैसे इसका कोड हम लोग लिखें, ये आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तो इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे यार, जैसे हमने प्री ऑर्डर का लिखा था वैसे ही लिखेंगे, इसका कोड भी कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम कहेंगे कि यार void, कहेंगे void प्री ऑर्डर, सॉरी पोस्ट ऑर्डर, प्री का तो लिख लिया, पोस्ट ऑर्डर। और हम लोग यहाँ पर इसको एक नोड स्टार रूट देंगे, मुझे स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट लिखना चाहिए, बट ठीक है यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, आईडी में भी चल के आप लोगों को दिखाऊंगा बिना शॉर्टकट के, ठीक है। इफ़ मैं यहाँ पर लिखूंगा रूट इज़ नॉट नल, नल, ठीक है। और ये सी कोड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड सी कोड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट सम सीडो कोड आप लोगों को समझाने के लिए। वैलिड सी कोड अभी लिखूंगा आईडी में जाकर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा रूट का डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैं सेम काम करूँगा और मैं पोस्ट ऑर्डर जो है इसके पहले करूँगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी यार, मैंने डेटा क्यों प्रिंट कर दिया पहले, मुझे यहाँ पर करना चाहिए था पहले इसी फंक्शन को रन करना चाहिए था, लेफ़्ट के लिए राइट के लिए ऑफिस के बाद मैं डेटा लिख दूँगा। यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाक से लिख देता हूँ अभी पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और मैं यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर को रन करूँगा रूट के लेफ़्ट के लिए
और सेम काम मैं करूँगा राइट के लिए पोस्ट ऑर्डर, रूट के राइट के लिए सेमीकोलन। आप लोग सी कोड जब लिखोगे तब लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कर दूँगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पर कुछ ऐसे करूँगा और परसेंटेज डी करके आप लोग जो है रूट को प्रिंट कर लें, ठीक है, जो रूट का डेटा है। बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। परसेंटेज डी, या अगर कैरेक्टर है आपका ये तो परसेंटेज सी करके मैं यहाँ पर परसेंटेज डी लगाकर रूट का जो डेटा है उसको प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। तो ये है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप कि आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ में आ गया, ठीक है। इसका होगा 52164। अच्छा, अगर ये ट्री बहुत बड़ा हो जाता, यानी कि इतना बड़ा कि यार आप ये करते करते थक जाओ, इतना बड़ा हो सकता है ना, आप करके देख लो, बना के देख लो। अगर आप कोई ट्री बनाते हो, मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसा ट्री बनाऊँ, इस तरह से मैं ट्री बनाता रहूँ और बनाता ही जाऊँ बनाता ही जाऊँ, इसके अंदर भी नोट्स बनाता ही जाऊँ, तो आप लोगों के लिए ट्रैक रखना एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कहोगे कि यार ये इतना बड़ी ट्री का मैं कैसे निकालूँ ट्रैवर्सल, तो उसकी एक टेक्निक होती है और वो मैं आप लोग को बताऊँगा। और आप प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर तीनों बहुत ढंग से निकाल लोगे सिर्फ ट्री को देखकर, बिना ये सब सॉल्व किए, बिना इतनी टेंशन लिए। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये तो बाय डेफिनेशन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। बट अगर आपका उद्देश्य सिर्फ आंसर तक पहुँचना है, आप एग्ज़ाम में हैं और आपको या फिर चेक करना है, मान लो कि यार आपका प्रोग्राम सही बना कि नहीं बना, या फिर कभी कभी आपको एक बहुत बड़ा ट्री मिल जाता है और आप ट्री बनाने में गलती कर सकते हैं, तो आप एक देखना चाहते हैं कि भाई ट्रैवर्सल के हिसाब से ट्री सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक शॉर्टकट आप लोग को बताऊंगा मैं फॉर श्योर बहुत जल्दी आने वाले वीडियोस में, जो कि आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का पता लगवा देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम चलेंगे वीएस कोड के अंदर और कोड करेंगे। मैं एक ये वाला ट्री जो है, इसी वाले ट्री को यूज़ करूँगा, मैं यही ट्री बनाऊँगा, और इस ट्री को बनाने के बाद इसका मैं आप लोगों को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रूव करके दिखाऊँगा कि 5 2 1 6 4 है, ठीक है। सो लेट्स गो टू वी एस कोड नाउ। सो गाइस, पिछला वीडियो था प्री ऑर्डर पे, अब हम कोड लिखने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर का। और मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, सेम ट्री बनाऊँगा, उस पर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आप लोगों को करके दिखाऊँगा। और मैं यहाँ पर 68_post_order.c मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मैं सेम जो कोड है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और आप देखना कितना फनी होने वाला है प्रोग्राम और कितना क्विक और फास्ट होने वाला है। आप लोग भी कहोगे कि यार ये क्या है यार, ठीक है। चलो यार मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्री ऑर्डर का कॉपी बनाऊँगा एक। पोस्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है लेफ़्ट राइट और उसके बाद रूट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्री ऑर्डर कॉल ना करके पोस्ट ऑर्डर कॉल करूँगा। इन तीनों फंक्शंस का नाम मैं बदल दूंगा और इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास प्री ऑर्डर ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पोस्ट ऑर्डर को फिर से लिखा नहीं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है सो मे बी आप लोग को ना पता होगा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली सर्च करके यूट्यूब से आते हैं, उनको पता नहीं होता कि पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट और उसके बाद फाइनली मैं डेटा नोट को प्रिंट कर दूंगा। और जहाँ पर मैंने प्री ऑर्डर को कॉल किया हुआ है ना, मैं अब वहाँ पर पोस्ट ऑर्डर को कॉल करूँगा, ठीक है। दैट्स अबाउट इट यार, आप इसको रन करें और रन करने के बाद आप लोग को भी पता चलेगा कि यार ये कितना आसान था। तो यहाँ पर देखो 52164, ठीक है। अगर मैं प्री ऑर्डर रन करता तो 41526 आता। करके दिखा देता हूँ यार, कोई पैसे थोड़े ना लगते रन करने के। प्री ऑर्डर रन करता तो क्या आता, और ये पोस्ट ऑर्डर को कमेंट आउट करता तो क्या आता? अरे यार, प्री ऑर्डर को रन करता तो 41562 आता, दोनों को करता तो 41625 2164 आता, यानी कि इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ध्यान में आई अभी, मैंने जैसे ये फंक्शंस बनाए, मेरे हिसाब से फंक्शंस जो है ना सारे के सारे, इनको जहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर अगर मैं एक \n भी प्रिंट कर दूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप C++ में तो एक cout_endl लगा देना, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ यार, कि किसी ने अगर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ऊपर नीचे अगर प्रिंट किया तो सिंपली आपका 41526 52164 ये इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। देखो, रिकर्सिव फंक्शन जब लिखते हैं ना तो बाय डेफिनेशन ही जो है, जो उसकी डेफिनेशन है आपके पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की, वही आपको लिखना होता है, दैट्स इट। यहाँ पर बस मुझे रूट नॉट इक्वल टू नल लगाना पड़ता है, क्योंकि वरना वो चलता रहेगा फंक्शन। एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी होनी चाहिए ना, एक बेस कंडीशन होनी चाहिए ना रिकर्शन की, यही बेस कंडीशन है कि रूट आपका जब तक नल नहीं है तब तक चलता रहेगा, यानी कि जब तक लीफ नोड तक ना आ जाए तब तक चलता रहेगा। लीफ नोड पर आ गया तो टर्मिनेट हो जाएगा वो, ठीक है। सो आई होप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ में आ गया आपको।
अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लेना एक्सेस, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है यहाँ पर इसको समझ के खुद से कोड करना, या जब तक आपने खुद से कोड नहीं लिखा तब तक आपकी एक्सप्लेनेशन उतनी तगड़ी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार कहूँगा, बार बार कहूँगा, 100 बार कहूँगा कि जब तक खुद प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये वीडियो देख के काफ़ी है क्या, मैं कहता हूँ नहीं, वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देख के काफ़ी नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आप इन सब बातों को समझते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।